गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह, डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव माइंड। आज हम कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन का नया बैच सीतापुर रोड ब्रांच पे July 1st में शुरू होने जा रहा है, जिस बैच में हम 2 से 3 साल तक के बच्चे लेंगे। हम इस बैच में क्यों 2 से 3 साल तक बच्चे ले रहे हैं, इसका कारण ये है कि बच्चे जितने छोटे होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको इन ब्रीफ बताऊंगी। कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को आप इन ब्रीफ एक स्कूल ट्रांजिशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। हम उन चैलेंजेस पे काम करते हैं कॉमडील प्रोग्राम में जो बच्चे को स्कूल में आते हैं, जो कि डायरेक्ट बच्चा थेरेपी से स्कूल में जब जाता है तो उसको वो चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में बच्चे के हम टॉयलेट ट्रेनिंग पे काम करते हैं। बच्चा या तो फुली या तो पार्शियली कॉमडील प्रोग्राम में ट्रेंड हो जाता है। हम बच्चे के लिए उस ऐसी सेंसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो बच्चे को फ्यूचर में काम करती है। हम बच्चे के लिए बच्चे को बिहेवियर मॉडिफिकेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो स्ट्रेटजी उसको स्कूल में कोपअप करने में काम आती है। इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को जो चैलेंजेस स्कूल में आने वाले होते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग इस प्रोग्राम में देते हैं। हम इस प्रोग्राम में बच्चों को कैसे ग्रुप में बैठना है, कैसे ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे ग्रुप में लाइन लगाना है, कैसे ग्रुप में लंच करना है, उन छोटे छोटे इश्यूज़ पे काम करते हैं और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हैं। क्या बातें हैं जो कि कॉमडील प्रोग्राम को अदर्स प्रोग्राम से अलग करती हैं? कॉमडील प्रोग्राम बहुत ही डिटेल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एरिया में असेसमेंट है। लाइक हम बच्चों का PLS असेसमेंट करते हैं। जब बच्चा प्रोग्राम में एनरोल्ड होता है तो बच्चे का उसका आई कांटेक्ट, उसका जॉइंट अटेंशन, उसकी कंप्लायंस, उसका सिटिंग असेंशन, उसका आई गेट, उसके साथ साथ हम बच्चों का ओरो मोटर असेसमेंट, उसके लिप मूवमेंट, उसकी टंग मूवमेंट, उसके जॉ मूवमेंट, उसकी स्पीच, उसकी सेंसरी प्रोफाइल, उसके किस किस सेंसरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसके साथ उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी इवैल्यूएशन, उसका फिजियोथेरेपी इवैल्यूएशन, उसके साथ साथ बच्चे के ग्रॉस मोटर लेवल पे, फाइन मोटर लेवल पे ADL स्किल्स, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी जो हम असेसमेंट करते हैं वो उसका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कहते हैं कि बच्चा कौन सी बातें नॉन वर्बल भी एक्सप्रेस कर लग सकता है। बच्चे के कॉग्निटिव लेवल पे, बच्चे के सोशल, बच्चे के इमोशनल लेवल पे भी हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। बच्चे का प्रैग्मेटिक्स असेसमेंट करते हैं कि बच्चा सोशली कितना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है। इतना डिटेल असेसमेंट किसी भी प्रोग्राम में नहीं है जो कि कॉमडील प्रोग्राम में हम बच्चे को करते हैं। हमारे बच्चों को स्ट्रक्चर में रहने की बहुत प्रॉब्लम आती है और इतना डिटेल स्ट्रक्चर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी देने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सेंटर पे इंडो घुसते ही बच्चे के शूर कैसे, बच्चे को अपना शूज़ जो है रैक पे रखना है, अपना बैग रैक पे रखना है, कैसे बच्चे को ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेयर टाइम के लिए रूम में जाना है, कैसे वहाँ बैठ के अपने पीयर ग्रुप इंटरेक्शन के साथ प्रॉपर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करनी है, प्रेयर टाइम करना है। उसके बाद बच्चों इन प्रोग्राम में 9 बच्चे एक साथ हम एनरोल करते हैं। 9 बच्चों में 3 ग्रुप बनते हैं। 3 बच्चे हमारे PLS क्लास में जाते हैं, 3 बच्चे हमारे स्पीच में जाते हैं, 3 बच्चे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाते हैं। मेन ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम ये है कि बच्चों की आप पूरी डिटेल असेसमेंट करने के बाद जिस एरिया में बच्चे के गैप्स होते हैं उस एरियाज़ को हम अपना गोल बनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं जिन एरियाज़ में गैप्स होते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में मैं उन बच्चों वो प्रोफाइल भी शेयर करूंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि जब बच्चे प्रोग्राम के पहले जब प्रोग्राम शुरू होने के पहले इनरोल्ड हुए थे तो उनकी प्रोफाइल में कैसे गैप्स थे, जब प्रोग्राम थोड़ा आगे मूव हुआ, प्रोग्राम जब मिड टर्म असेसमेंट तक आया तो कैसे प्रोफाइल मूव हुई और लास्ट आते आते प्रोफाइल कितने अच्छे तरह से मूव हो गई। 2022 के बैच में हमने 3.5 से 4.5 साल के बच्चे लिए। बच्चा बहुत ही सक्सेसफुली जो है इम्प्रूवमेंट हम शो कर पाए। मैं आपसे छोटा सा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे समर कैंप कर रहे हैं, हम सारे बच्चों को एक साथ कैंप मंदिर टेम्पल विजिट के लिए ले गए।
और उन सारे बच्चों में से सिर्फ दो वो बच्चे जिन्होंने कॉमेडी प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। मंदिर में जाके उनको ये पता था कि हमें शूज़ कहाँ उठानी है, कैसे लाइन में लगना है, कैसे हमें मंदिर में दर्शन करना है, वापस आके हमें शूज़ कैसे पहनने और कैसे कार में बैठ के हमें सेंटर वापस आना है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि ये जो अंतर बच्चों में आया है वो हमारे सेंटर्स की केयर टेकर्स भी नोटिस कर रहे हैं। हम स्क्रीन पे जो प्रोफाइल देख रहे हैं वो 3 साल 1 महीने के बच्चे की है, जिस बच्चे को हमने 2022 में जुलाई में कॉमेडी प्रोग्राम में इनरोल किया था। अगर हम इस प्रोफाइल में देखें तो इसके हर एरियाज़ में, हमने 8 एरियाज़ में इस बच्चे का असेसमेंट किया था, हर एरियाज़ में बहुत ही गैप्स आपको दिखेंगे। इसमें जो स्क्रीन पे जो रेड मार्कर दिख रहा है, उस रेड मार्कर का मतलब है कि ये स्किल्स बच्चे में है ही नहीं। जो येलो दिख रहा है, जो येलो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्किल बच्चे में इमर्जिंग है, मतलब ये बच्चा सीख रहा है या कभी कभी इनकंसिस्टेंट सिचुएशन में करता है। जो जो हमने ब्लू कलर का नंबर 3 दिया है, इसका मतलब ये कि बच्चा इन एक्टिविटीज़ को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में करता है, या तो बच्चा थेरेपी सेंटर पर करता है या पेरेंट्स के साथ करता है। और जो ग्रीन एरियाज हैं, उस ग्रीन एरिया का मतलब ये है कि बच्चे में ये स्किल्स पहले से ही मौजूद थी। तो जब ये बच्चा हमने जुलाई में ये प्रोग्राम शुरू किया तो उसकी प्रोफाइल में ये सारे गैप्स थे। हमने प्रोफाइल उन एरियाज़ को अपना थेरेपी का टारगेट बनाया जिनमें स्कोर बच्चे के 2 थे, क्योंकि वो इस इमर्जिंग एक्टिविटीज है। जब हम इमर्जिंग एक्टिविटीज़ को अपना गोल्स लेते हैं तो उस इमर्जिंग एक्टिविटीज़ को अचीव करना बहुत ही आसान होता है। फिर ये जो आप दूसरी प्रोफाइल देख रहे हैं, बच्चे की एज बढ़ी, बच्चे की एज इस प्रोफाइल तक 42 मंथ की हो गई थी। इसमें भी देखा कि बच्चे के जो रेड एरियाज थे वो धीरे धीरे येलो या ग्रीन एरिया में कन्वर्ट होते चले गए, क्योंकि हमने वो स्किल डे बाई डे अचीव करती चली गई। जो आप लास्ट प्रोफाइल देख रहे हैं, ये लास्ट प्रोफाइल 10 महीने बाद की, जबकि बच्चा 47 मंथ का हो चुका है, बच्चे की एज भी बढ़ी है, लेकिन आपको दिखने में लगेगा कि ये बच्चे के जो रेड एरिया थे वो कितने ज़्यादा ग्रीन एरिया में कन्वर्ट हो गए हैं, और बहुत कम एरियाज़ ही अब येलो एरियाज़ में रह गए हैं। तो कॉमेडी प्रोग्राम में हम प्रोफाइल के माध्यम और बच्चे के जिन जिन एरियाज़ में गैप हैं वही एरियाज़ जो है हमारी थेरेपीज़ का गोल होता है, और जब तक वो एरियाज़ रेड एरियाज़ से ग्रीन एरियाज़ में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं तब तक हम उस स्किल्स पे काम करते ही रहते हैं। मैं 8 वर्षों से कॉमेडी प्रोग्राम को रन कर रही हूँ और इतना डिटेल और स्ट्रक्चर प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा। 2022 का बैच जो है बहुत ही सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। पूरे 10 महीने इस प्रोग्राम को मिस फाल्गुनी परमार मैम ने लीड करा, जो कि कॉमेडी की सर्टिफाइड ग्रुप टीम लीडर हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, मैं भी सर्टिफाइड ग्रुप टीम लीडर हूँ कॉमेडी प्रोग्राम की। हम ये प्रोग्राम 10 जुलाई को सीतापुर रोड ब्रांच पे शुरू करने वाले हैं और हम सिर्फ 9 बच्चों को ही इस प्रोग्राम में इनरोल करने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों को, अगर आप बच्चों को एक बेहतर स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में बच्चों को इनरोल करें। धन्यवाद।